सभी एजेंसियों ने विशेष रूप से पीएमओ के मार्गदर्शन में, भारत सरकार की सब एजेंसीज, उत्तराखंड सरकार और वहां की स्थानीय जनता और सब लोगों ने रात दिन मेहनत की, परिश्रम किए, अलग अलग पर्यायों पर काम किया और उसके बाद ये सफलता मिली है। ये बहुत गहरा संकट था, पहली बार इस प्रकार का अनुभव आया। इन लोगों की जान बची, उन लोगों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं शुभेच्छाएं देता हूं। और इसमें जान बचाने में जिन जिन भारत सरकार की एजेंसियों ने और राज्य सरकार की एजेंसियों ने और सभी हमारे इंजीनियर्स ने रात दिन अपने जोखिम लेकर जो काम किया है, उन सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनके आभार व्यक्त करता हूं। ये घटना ने भी हमको सीखने के लिए बहुत कुछ मिला है। अब हम लोग इसके बारे में टनल का सेफ्टी ऑडिट भी करने वाले हैं और टेक्नोलॉजी के साथ कैसे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे टेक्नोलॉजी का उपयोग कर सकें, ये भी कोशिश करेंगे। हिमालय का स्टाटा बहुत ही फ्रैजाइल है और इसीलिए स्वाभाविक रूप से वहाँ काम करना भी बहुत कठिन है, पर इसके ऊपर हमको उपाय ढूंढना होगा। हम निश्चित रूप से उपाय ढूंढेंगे। इसी विश्वास के साथ फिर से एक बार जिन जिन लोगों ने सहयोग किया उनको बहुत बहुत धन्यवाद, और विशेष रूप से जो मजदूर है उनके परिवारों को भी मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि वो बेचारे वापस आए हैं, हमारे लिए सबके लिए बहुत खुशी की बात है, उनके उज्जवल भविष्य की कामना। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। जदि आपंक आम भिडी भल लगा तेब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी बुलां नहीं।